आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द प्रिंसिपल, गिव इट सिग्निफिकेंस। पूछा गया है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो स्टेट करता है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज या फिर एलीलिक फ्रीक्वेंसीज होता है जीन्स में, वो एक पॉपुलेशन में से नेक्स्ट पॉपुलेशन में सेम ट्रांसफर होते हैं, यानी उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन, जब कोई डिस्टर्बेंस यानी जेनेटिक डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं रहते। अब यही जेनेटिक डिस्टर्बेंस क्या है, यही आते हैं फैक्टर्स और विच इफेक्ट्स द प्रिंसिपल, यानी यही चेंजेस जब टेक प्लेस करते हैं तभी चेंज इन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो होता है। तो ये क्या क्या है, तो ये फैक्टर्स हैं, पहले म्यूटेशन, 5 फैक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेक्स्ट है जीन फ्लो, और उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेशन, और लास्ट में आता है नेचुरल सिलेक्शन। और यही पांचों क्या करते हैं, चेंज करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। म्यूटेशन जो है ये एक ऐसा जेनेटिक चेंज है जो कि जब जीन में होता है तब इरिवर्सिबल होता है, और ये जब जीन में हो जाता है तो हेरिडिटरी होता है, और हेरिडिटरी का मतलब ही ये पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वो जाके इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि सडन होता है, और ये एक पॉपुलेशन में होता है। म्यूटेशन जो है ये एक इंडिविजुअल में होता है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये एक पॉपुलेशन में होता है। जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है जहाँ पे रेड बग का नंबर जो है वो बहुत हाई है, लेकिन ग्रीन बग का नंबर बहुत ही लो है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रेड बग्स जो है वो एकदम से स्वाइप आउट हो गए ड्यू टू सम डिजास्टर, जैसे कि एलिफेंट का पैर यहाँ पे पड़ गया। तो नेक्स्ट जेनरेशन में देखा गया कि रेड बग का नंबर एकदम से डिक्रीज हो गया, और उसी टाइम में ग्रीन बग्स का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो यही सडन चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि पॉपुलेशन में होता है। नेक्स्ट है जीन फ्लो, जो कि एक पॉपुलेशन में नेक्स्ट पॉपुलेशन, जो कि एक पॉपुलेशन से नेक्स्ट पॉपुलेशन ट्रांसफर होता है, और जब जीन फ्लो होता है तब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी में चेंजेस भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, तो जब चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि मेट किए हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जीन एक्सचेंज होगा। तो जैसे ही जीन एक्सचेंज होगा तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगा जहाँ पे जीन एक्सचेंज टेक प्लेस किया है, और यही है रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन ने कहा था, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो ऑर्गेनिज्म एडप्ट कर पाएगा और उसके जेनेटिक चेंजेस दिखाई देंगे और एनवायरनमेंट के साथ, वही एडप्ट करेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट को, और वही फिटेस्ट कहलाएगा, और जो फिटेस्ट बनेगा वही ऑर्गेनिज्म जो है उसी का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और डे बाय डे उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी बढ़ जाएगा। तो यही नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन मिला के फैक्टर्स क्रिएट करते हैं जो कि अगेंस्ट हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होते हैं। अब पूछा गया है कि इस प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस प्रिंसिपल से, या फिर ये एक ऐसा टूल है जो कि डिटरमाइन करता है किस चीज को, तो ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ एलीलिक चेंजेस को, यानी जो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं वो चेंजेस ये डिटरमाइन करते हैं वाया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और इसी की वजह से हम लोग जान सकते हैं कि एक एलीलिक फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट पॉपुलेशन में कितने चेंजेस हुए हैं, और ये टोटल आ जाता है ये पूरे 3 क्वेश्चन का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।